स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम अजहर है। जैसे कि आप लोगों ने यवला सीरीज़ के ऊपर बहुत सारा प्यार दिया, तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ क्या ये इस वीडियो पे आप लोग उसी तरह से मुझे प्यार देंगे। और अभी सेम वैसी ही एक दुकान है जैसी यवला में आप लोगों ने देखी थी, साजो सिंगार का जो सामान बिक रहा था उससे ज़्यादा सामान यहाँ पर है। और वो जो यवला में बेच रहे थे वो भी इन्हीं के रिश्तेदार थे। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे जिनको देखेंगे वो आप लोगों को इस दुकान का टूर कराने वाले, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जी बोलिए भाई जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत खान है। रहमत खान जी, जी। दिल से शुक्रिया भी कहता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं बहुत घूम चुका हूँ मार्केट और कोई कैमरे पे आना नहीं चाहता है। उसके बहुत सारे कारण है जो सब लोगों को पता है, तो हम लोग उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे और हम लोग आएंगे मेन मुद्दे पे, जैसे कि आप लोगों के पास में क्या सामान है यहाँ पर, आप क्या लाए हैं बेचने के लिए? अभी हम लेके आए घोड़े का आइटम, लेके आए जो भी है। हाँ हाँ, ए से जेड तक, ए से लेके जेड तक सारी चीजें आपके पास है। बराबर। तो सबसे पहली शुरुआत उसका साथ है, ऊंट का भी सामान, ऊंट का भी सामान है। ठीक है, तो सबसे पहला आप इसको ये बताइए क्या है ये? ये मोरा है। ये मोरा है, ये जो साज में बोल, ये शादियों में जो यूज होता है वो वाला मोरा है। अच्छा, क्या कीमत है इसकी? इसकी है 1500 रुपए है। 1500 रुपया, ठीक है। उसके बाद में सैडल, सेडल ये वाला है 8000 रुपए का सेडल है। 8000 रुपए का सेडल है। चमड़े का है क्या? जी, प्योर चमड़े, पूरा लेदर है। ओके, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है। अच्छा, कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफेक्ट? हाँ, ठीक है। तो 8000 रुपया, 8000 रुपए का। ओके, हल्का भी हमारे पास है। अच्छा, उससे सस्ता वाला दिखाइए। ये बोर बंद है उधर, ये वाला है। ये 3500 रुपए का है वाला। ये 3500 रुपए का है। तो ये लेदर में है क्या? इसमें कुछ लेदर है, कुछ रेगजीन है। कुछ लेदर और कुछ रेगजीन है, ठीक है। तो ये कितना टाइम चल जाता है? ये तो अपने चलाने के ऊपर होता है। बराबर, जैसा हम इस्तेमाल करेंगे वैसा। बराबर, अपने अपने हाथ में होता है, सेफ्टी रखना अपने हाथ में होता है। बराबर है, ठीक है। उसके बाद में ये साज है, ये साज दिखाइए। जो ये है ये ऊँट के लिए है। ये ऊँट का है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोरबंद। गोड़बंद। अच्छा, क्या क्या प्राइस है इसकी? इसकी है 3500 रुपए। 3500 रुपया, ठीक है। उसके बाद में ये सेट है हमारे पास। हाँ, अभी ये सेट है 5000 रुपए का सेट है वाला। ये पूरा 5000 रुपए का सेट है। इसमें 5 आइटम आएंगे। एक गले का हार आएगा। हाँ, एक गर्दन के ऊपर आता है वो आएगा। बराबर, एक पीटने वाला आता है। अच्छा, एक चादर आएगी। एक चादर आएगी। एक ये मोहरा आता है। एक मोहरा आएगा। तो ये 5 आइटम आएंगे। 5 आइटम। और क्या कीमत बोली आपने इसके? बोले 5000 रुपये। ये 5000 रुपया। तो ये सब जगह पे यही कीमत है या इधर कुछ कम है? और अभी देखो इसका मतलब ये है भाई साहब, अभी महंगाई भी होगी कुछ। बराबर, ये हमारे घर में नहीं बनता है। ये 2800 रुपये का है। ये 2800 रुपये का। ये 2800 रुपये के। इसके अंदर भी पाँच पाँच आइटम है, पर इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी, हल्की क्वालिटी का है, ठीक है। वो यहाँ चलते नहीं उधर गुजरात में। अच्छा, गुजरात में चलते दिखाओ ना फिर। नहीं, ये गुजरात में चलिए, इधर ही चलते हैं राजस्थान में। चलेगा ना, लोग राजस्थान से भी देखते हमको, बताइए। ये राजस्थान का है। हाँ, ये जयपुर का सेट है। अच्छा, ज्यादातर इसमें अजमेर में चलता है, जयपुर में चलता है। ये शादियों में ही चलता है। बराबर, साज ही है, इसको भी साज ही बोला जाएगा। ये 8000 रुपए का सेट है, ठीक है। और भी आते आइटम उसके बाद में। मुर्की ये ओल्डर शोल्डर है। अच्छा, होल्डर, शो होल्डर, शो होल्डर। अच्छा, क्या कीमत है इसका? इसकी 600 रुपये। 600 रुपया। और ये हरी वाली और ये काली वाली 100 रुपये की। ये 100-100 रुपये की है। ये बच्चे का मोरा है। ये बच्चे का मोरा है। ओके, और उसके बाद में ये वाला 650 रुपये का है। ये 650-650 रुपये का है। ये साज वाला मोरा है। बराबर, उसके बाद में वो दिखाइए ना, जो घुंघरू होते है वो सब दिखाइए। ये क्या है? ये ब्रश है। ये ब्रश है मालिश करने वाला। बराबर, ये 100 रुपए का। ये 100 रुपए का ब्रश है, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में ये है पायल है। ये पायल है, 300 रुपए की पायल है। ये 300 रुपए की पायल है, ठीक है। उसके बाद में ये खुर साफ करने के लिए जो पकड़ है, ये वाला, ये ब्रश है। और ये पैर बनाने के लिए, पैर बनाने वाला। क्या इसकी कीमत है? किसकी? इसकी, हाँ,
इसकी 400 रुपये। 400 रुपया। और ये ब्रश कौन सा वाला? 150 रुपये। ये 150 रुपये का ब्रश है, ठीक है। उसके बाद में ये बीट, बीट तो जोन से आप लेना चाहेंगे उसके, दिखाइए ना, दातेरी काटेरी जो बोलते हैं वो दिखाइए। 180 रुपये की है, बाड़ में लगा में बराबर, ठीक है ना। 120 रुपये की, 120 रुपये की है ये, 180 रुपये की। हाँ। ये वाली 180 रुपये की। अच्छा, ये 120 रुपये की, ये वाली 120 रुपये। अच्छा, और ये स्टील की? स्टील की 200 रुपये। 200 रुपये की। और उसके बाद में ये पीतल की है? नहीं, लोहे की है। अच्छा, ये लोहे की है, कुछ पीतल। ये घूमने वाली है ना? ये घूमने वाली, फिरकी वाली बोल रहे हैं। फिरकी वाली, हाँ। इसकी क्या कीमत है? इसकी भी 200 रुपये। 200 रुपया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आइए, इसकी क्या कीमत है? क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको पैकड़े बोलते हैं। हाँ, पैकड़े। पैकड़े, हाँ। क्या क्या कीमत है इसकी? इसको पैकड़े बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या प्राइस है इसका? 250 रुपये। ये 250 रुपये का है। और ये भी वही है क्या? ये भी पैकड़े है। अच्छा, पर ये प्लास्टिक में है? प्लास्टिक में। इसकी क्या कीमत है? 300 रुपये। 300 रुपये। और खरारा? खरारा ले लो, ये वाला 50 रुपये का है। ये 50 रुपये का खरारा, ये 100 रुपये का। ये 100 रुपये का। अच्छा, ठीक है। और ये नेवरपट्टा? ये वाला? हाँ, 300 रुपये की। ये 300 रुपये नेवरपट्टा है, ठीक है। और ये क्या है? ये रकाब है। रकाब, क्या कीमत है रकाब? 150 रुपये। 150 रुपया रकाब की कीमत है। तो ओवरऑल ए टू जेड सारा सामान है इनके पास में, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और ये इनका जो बिजनेस है, ये ऑनलाइन भी है, और सारे जितने भी मेले है, हर मेले में ये आते ही है, हर मेले को ये लोग जाते हैं हर मेले में, और अपना सामान लेके जाते हैं। जी भाई बोलिए, क्या दिखा रहे हैं अभी आप? अभी ये गोंडा है। गोंडा जी। हाँ, क्या प्राइस है इसका? 300 रुपये। 300 रुपया प्राइस है, ठीक है। और ये विदाउट सैडल अगर कोई बैठना चाहे तो ये यूज करते हैं? ये वाला है, ये महाराष्ट्र में चलता है, ये हमारे यहाँ पर चलता है। हाँ, ये भी चलता है। हाँ, ये भी चलता है। क्या कीमत है इसकी? ये क्या है? ये सैडल है। ये भी सैडल ही है जी। एक बहुत अलग और बहुत भरेला लग रहा है सब। हाँ। बहुत बना हुआ है। क्या क्या प्राइस है इसका? है 8,500। 8,500 रुपया। ये भी लेदर है क्या? पूरा लेदर, प्योर लेदर में पूरा लेदर। और ये दादी? वो 300 रुपये का। 300 रुपये की है। तो आपका मोबाइल नंबर बोलिए ना। मोबाइल नंबर तो कार्ड में देखा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं है ना, इनका जो कार्ड है ना, उसको स्क्रीन के ऊपर चला रहा हूँ। आप लोग वहां से इनका नंबर नोट करो, और आपको जो सामान चाहिए वो आप इनसे कॉल करके, कांटेक्ट करके आप इनसे खरीद सकते हैं। देखिए, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत बड़ा दुकान है इनका, ये देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।